हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं टॉप और बेस्ट पॉपुलर 5G स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 18,000। दोस्तों अगर आपका वेट 18,000 के राउंड स्टैंड करता है और आपको इस टाइम पर वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस सेंट्रिक कैमरा सेंट्रिक या फिर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन बाय करना है देन ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो के अंदर काफी रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद टॉप और स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जहां पर आपको हाई ग्राफिक गेमिंग के लिए पॉपुलर 5G सीपीयू मिलेगा। इसके अलावा गुड कैमरास बिग बैटरी एंड टॉप क्लास डिस्प्ले होगा जिससे आप टॉप नॉच कंटेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो। हर एक स्पेक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी सो बने रहिए। बट गाइस सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्योंकि ये एकदम फ्री है सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिवाइस की जो इस लिस्ट का लास्ट फोन है नंबर 4th पोजीशन पर आता है और ये दोस्तों रियलमी का रियलमी 12 प्लस 5G कमाल का डिवाइस है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जबरदस्त स्पेक्स ऑफर करता है और ये एक बेस्ट लुकिंग फोन भी है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 ऑफर किया गया है जो 1.6 नैनो आर्किटेक्चर बेस्ड सीपीयू है, पावर एफिशिएंट है। इसका अंततः स्कोर 6 लाख प्लस आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है जो कि रियलमी यूआई 5.0 पर बेस्ड है और ये दोनों ही आपको एकदम लेटेस्ट मिलते हैं। 9 5G बैंड्स, एलपी डीआर 4X रैम और यूएफएस 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, एक सिम एक एसडी कार्ड या फिर दो सिम एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.67 इंचेस फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120 हर्ट्ज फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस और ये ओनली 8-bit पैनल जबकि इस सेगमेंट में 10-bit इजीली मिल जाता है। बट पता नहीं क्यों रियलमी ने यहां पर 8-bit यूज किया है। बट अच्छी बात है कि आप इस पर HDR और 4K कंटेंट प्ले कर सकते हो। रियर साइड में प्रीमियम व्हीकल लेदर बैक मिलेगा जिस पर आपको सेंटर में सिल्वर स्ट्रिप मिल जाती है जिससे डिजाइन इसका काफी अट्रैक्टिव लगता है। प्लास्टिक का फ्रेम होगा, बॉक्स टाइप, ओवरऑल बेस्ट लुकिंग फोन है ये। इस फोन के अंदर ट्रिपल कैमरास मिलेंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है OIS के साथ जो सोनी LYD600 सेंसर को लेकर आता है, साथ में 8 का अल्ट्रावाट और 2 का मैक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके मेन कैमरे से 4K 30fps और सेल्फी कैमरे से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप नॉच मिलता है, अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी मिलेगी। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP54 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5mm जैक भी मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 2099। बट डोंट वरी, अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन ये फोन आपको अंडर 18 के प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको X6 5G। ये अंडर 18 के प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फोन है। डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर एंड बैटरी सब कुछ एकदम टॉप नॉच मिलता है। 8+256GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 ऑफर किया गया है जो ओनली 4nm टेक्नोलॉजी बेस्ड सीपीयू, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। सिंगल चार्ज पर ये आपको लॉन्ग टाइम तक बैटरी बैकअप देगा। इसका अंततः स्कोर 6,10,000 प्लस आता है। मैं आपको बता दूं ये जो सीपीयू है ये स्नैपड्रैगन 7780G 4 Gen 2 और Snapdragon 695 तीनों से बेटर परफॉर्म करता है। प्राइस के अकॉर्डिंग आपको टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 60fps गेम प्ले भी मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है, 10 5G बैंड्स, LPDDR 4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है एंड डुअल सिम स्लॉट होगा, 2 सिम के साथ एसडी कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.67 इंचेस 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120 हर्ट्ज फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद हार्ट रेट सेंसर, फिंगर से अनलॉक करते टाइम आप अपने हार्ट को भी सेंस कर सकते हो, डॉल्बी विजन, HDR 10 प्लस सपोर्ट और ये एक 12-bit पैनल है, 68 बिलियन कलर्स मिलते हैं। डिस्प्ले नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है जिस पर ग्लॉसी फिनिश दी गई है और अगेन प्लास्टिक फ्रेम होगा, बॉक्स टाइप। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का दिया गया है जिसमें OIS का सपोर्ट भी मिलता है, साथ में 8 का अल्ट्रावाट और 2 का मैक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके मेन कैमरे से अगेन 4K 30fps और सेल्फी से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलती है, इसका कैमरा इस प्राइस पर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें 5100mAh की बैटरी दी गई है जो कि 67W की टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP54 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर और 3.5mm जैक मिलेगा। दोस्तों ये स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 18,999। बट अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन ये फोन आपको अंडर 18 के प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T3 5G। ये अंडर 18 के प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेंटर फोन है। अगर आपको हाई ग्राफिक गेमिंग करनी है देन इसको चेकआउट करिए। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 7200 मिलेगा, जो अगेन 4nm CPU है, बट इसका अंडरस्कोर 725000 प्लस आता है, जो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा नंबर है। हाईएस्ट सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, पबजी BGMI या न्यू स्टेट 90fps पर रन कर सकते हो, टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि फन टच OS 14 पर बेस्ड है। 8 5G बैंड्स, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है, एंड अगेन हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.67 इंचेस फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंच होल, 120 हर्ट्ज फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1800 पीक ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट मिलेगा। डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग एंड गेमिंग दोनों के लिए सुपर मिलता है। रियर साइड में पॉलीकार्बोन बैक होगा, जिस पर मैट फिनिश मिलती है, और अगेन प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है बॉक्सी टाइप। ये डायमंड कट शेप डिजाइन के साथ भी आता है। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP OIS कैमरा मिलेगा जो IMX882 के साथ आता है। साथ में 2 का बोकी लेंस मिलता है और एक आपको फ्लिकर सेंसर मिलेगा, बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन कैमरे से 4K 30fps और सेल्फी से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके रियर कैमरे में आपको डुअल व्यू मोड फीचर भी मिलता है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी मिलती है, नो डाउट। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 8GB वर्चुअल रैम और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और इस फोन की एक्चुअल प्राइस है 19,999, बट अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो देन ये फोन आपको 18,000 रुपए में इजिली मिल जाएगा। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नोट C3 5G। बेसिकली दोस्तों ये एक टाइम पर 25,000 के आसपास सेल हुआ था, बट अभी आप इस फोन को विदाउट एनी ऑफर अंडर 20 के प्राइस में बाय कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ब्रांड वैल्यू के साथ साथ फ्लैगशिप कैमरा सेंसर मिलता है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G मिलेगा, जो 1.6nm CPU है। इसका अंततः स्कोर 7,00,000 प्लस आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, लॉन्ग टाइम यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और 60fps गेम प्ले भी मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा, एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.7 इंचेस फुल HD प्लस फुल AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंच होल, 120 हर्ट्ज फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 915 हर्ट्ज पीक ब्राइटनेस, 240 हर्ट्ज का TSR, PWM डिमिंग और HDR सपोर्ट मिलेगा। डिस्प्ले टॉप क्लास मिलेगा, नो डाउट। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है, जिस पर ग्लॉसी फिनिश मिलती है, और अगेन प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्सी टाइप। इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, जो फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX890 सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन कैमरे से 4K 30fps और सेल्फी से फुल HD 30fps पर वीडियो निकाल सकते हो। दोस्तों इसमें जो कैमरा सेंसर मिलता है सोनी का 890, ये एक फ्लैगशिप सेंसर है, और OnePlus ने इसको अपने फ्लैगशिप फोन्स 11R और 11 के अंदर भी यूज किया था, तो आपको कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिलेगा। इसका कैमरा टॉप नॉच परफॉर्म करता है, और अंडर 20 के प्राइस में तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिलेगी, नो डाउट। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 80W की वूक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP54 रेटिंग, NFC, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और इंफ्रारेड सेंसर मिलता है। दोस्तों ये स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और इस फोन की एक्चुअल प्राइस है 18,999 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो कैसे थे टॉप पावरफुल फोन्स अंडर 18 के, होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।